आज हम उर्दू का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। हमारी जो उर्दू की किताब है उसका नाम है नई किरण। नई किरण हमारी उर्दू की किताब है, उसमें हम सबक नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है तीन हुर्फी अल्फाज। हम क्या पढ़ने जाएंगे? तीन हुर्फी अल्फाज क्या होते हैं, उन्हें कैसे पढ़ा जाता है, उन्हें किन किन अल्फाज से मिलकर, किन किन हुरूफ से मिलकर बनता है, वो आज हम इस सबक में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक हुर्फी क्या होते हैं अल्फाज, दो हुर्फी अल्फाज क्या होते हैं और तीन हुर्फी अल्फाज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक हुर्फी अल्फाज क्या होते हैं। आपको भी अपनी बुक का जो पेज है वो ऐसे ही टर्न करना है जैसे मैंने इसको खोला है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम देखें एक हुर्फी। एक हुरूफ क्या होता है, उसको हम एक हुरूफ नहीं बोलते, उसे हम सिर्फ हुर्फ कहते हैं। तो क्या होता है, जैसे अलिफ बे पे टे ते से जीम चे है खे दाल जाल, ये सारे क्या है, ये क्या है, हुरफ तहजी। इसको ये क्या होते हैं, हुरूफ की पहली क्या होती है, शक्ल होती है, इसे हम एक हुर्फी यानी हुरूफ बोलते हैं। तो इसको अगर हम दूसरा हुरूफ इसमें मिला दें तो वो क्या हो जाएंगे, दो हुर्फी अल्फाज। तो देखिए दो हुर्फी अल्फाज क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे अलिफ पे प्लस अब, तो ये क्या हुआ, अब। अगर इसके नीचे हम जेर लगा देते हैं तो ये क्या हो गया, इब, तो ये क्या हो गया, अब भी हो सकता है अगर हम इसके नीचे से अलामत हटा दें, और अगर इसके नीचे से हम अलामत ज़ेर की लगा देंगे तो ये क्या हो गया, इब। तो अब और इब ये क्या हो गए, दो हुर्फों से मिलकर बने हैं, तो ये क्या हो गए, दो हुर्फी अल्फाज। यानी दो हुर्फों से मिलने वाले अल्फाज दो हुर्फी होते हैं, तीन हुर्फों से मिलने वाले तीन हुर्फी होते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, दो हुर्फी अल्फाज। तो इब सभी के नीचे जेर की मात्रा है, तो ये क्या हो गए, इस, ये इक, ये इन, ये बित, ये दिल, ये सभी क्या है, दो हुर्फी अल्फाज है ना। जैसे तिब सिल गिन, ये सारे क्या है, दो हुर्फी अल्फाज है। अब हम हमारे मुद्दे पर आते हैं, हमारा जो टॉपिक है उर्दू का वो क्या है, तीन हुर्फी अल्फाज। हम किताब का तीन हुर्फी वाला पेज नंबर खोलेंगे, सबक नंबर 2, तीन हुर्फी अल्फाज। तीन हुर्फी अल्फाज क्या होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला हमें तस्वीर नज़र आ रही है किसकी, केक की। तो केक क्या है, तीन हुर्फों से मिलकर बना है, जैसे छोटा काफ ये और फिर छोटा काफ, तो ये क्या हो गया, केक। तो ये तीन हुर्फों से मिला है, के ये और के, तो ये क्या हो गया, तीन हुर्फी अल्फाज यानी केक। फिर इसके बाद दूसरी तस्वीर है बैग, तो बे ये और गाफ, तो ये क्या हो गया, बैग। तो ये भी किन तीन हुर्फों से मिलकर बना है। अब इसके बाद देखिए और भी अल्फाज हैं जो कितने हुर्फों से मिलकर बनते हैं, तीन हुर्फे। तो आज हम इस सबक में तीन हुर्फे अल्फाज देखने वाले हैं, जैसे बे आइन प्लस दाल, तो ये क्या हो गया, बाद। तो ये तीन हुर्फों से मिलकर है, तो ये क्या हो गया, बाद। फिर है खे ते प्लस मीम, तो ये बराबर क्या हो गया, इसको हम पूरा पढ़ेंगे, ये क्या हो गया, ख़त्म। फिर है ब आइन बैन, देखो इसमें तीन हम छोटी शक्ल में बना हुआ है, तो ब आइन प्लस द्वाद, तो ये क्या हो गया, बाद। फिर है शीन ख प्लस स्वाद, बराबर क्या हो गया, शख्स। वाव काफ प्लस ता ते, तो ये क्या हो गया, वक्त। फिर है ते ये प्लस जे, तो ये क्या हो गया, तेज़। तो अब हम एक और बार इसको तरीके से पढ़ेंगे वापस से, देखो ये क्या है, केक। फिर है बात ख़त्म, फिर है बाज, फिर है शख्स वक्त तेज़। इसके बाद नीचे देखेंगे ईद आइन ये और दाल, तो ये तीन हुर्फों से मिलकर क्या बना है, ईद। फिर शीव मीम प्लस सीन, तो ये क्या हो गया, शम्स, क्या हो गया, शम्स। फिर है पेड़ पे
ये और रे, तो ये क्या हो गया पेड़। ये तीन हरफों से मिला है पे ये और रे, तो ये क्या हो गया पेड़। सीन ये और रे, तो ये क्या हो गया शेर। इसमें हम तस्वीर भी देख रहे हैं बच्चों की, पेड़ की भी है और शेर की भी है। शेर यानी जब हम घूमने फिरने जाते हैं शेर करने, तो यहाँ बच्चे की तस्वीर हमें नज़र आ रही है, भागता हुआ नज़र आ रहा है यानी वो शेर कर रहा है। और यहाँ पर पेड़ की तस्वीर है। अब देखो और हर्फ है, अभी इसके ऊपर भी इन्होंने क्या बनाई है, एक छोटी सी क्या बनाई है राइम बनाई है, बाघ की शेर को चलो, बाघ की शेर को चलो। इसमें भी तीन हर्फी अल्फाजों का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जैसे ब प्लस अलीफ यानी बे अलीफ ब और गैन, तो ये क्या हो गया बाग। फिर के और ये, तो के और ये क्या हो गए दो हर्फी अल्फाज हो गए, तो ये क्या हो गया की बाग की, यानी अगर के साथ छोटी ये लग जाए तो क्या हो जाएगी की बाग की। सीन ये और रे, तो ये क्या हो गया सीन ये और रे यानी शेर, तीन हर्फी अल्फाज। और काफ और वाव, काफ और वाव यानी को, शेर को यानी बाघ की शेर को चलो, चे लाम वाव, तो ये क्या हो गया बाघ की शेर को चलो। दूसरी लाइन देखो, हसन बहुत तेज दौड़ता है, हसन बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर बच्चा शेर को गया बाघ में और वो क्या है बहुत तेज दौड़ रहा है, तो है सी नून, तो हसन तीन रूपों से मिलकर बना है। बे है और ते, तो ये क्या है बहुत बहुत यानी तीन हर्फों का मिलकर बना है। तेज ते ये और जे, तो ये क्या हो गया तेज दौड़ता है। दे दाल पाव अड़े, ये क्या है दौड़ और ता अलिफ यानी दो हर्फी यानी इसको मिलाकर ये क्या हो गया दौड़ता है। तो ये एक राइम हो गई, बाघ की शेर को चलो, हसन बहुत तेज दौड़ता है। शम्स आया इसको केक दो, शम्स आया इसको केक दो। अब शम्स तीन हर्फों से मिलकर बनाए, शम्स किसी शख्स का नाम है यहाँ पर। फिर आया अलिफ मद या अलिफ, तो ये क्या हो गया शम्स आया इसको केक दो। इस अलिफ और सीन यानी दो हर्फों से मिलकर बनाए, काफ और वाव यानी ये भी दो हर्फों से मिलकर बनाए, तो इसको केक दो। के ये के, तो ये क्या हो गया केक, ये भी तीन हर्फों से मिलकर बनाए। दाल और वाव यानी दो हर्फी अल्फाज हुए, हमको पता है दो हर्फी अल्फाज और तीन हर्फी अल्फाज में हमको पता लग गया। पेड़ को पीर को ईद होगी, पीर यानी सोमवार बंटे, तो पीर को क्या होगी ईद होगी। पे ये और रे, तो ये तीन हर्फों से मिलकर पीर बनाए। काफ और वाव यानी को, दो हर्फी अल्फाज ईद होगी। ईद तीन हर्फी अल्फाज हो गया, होगी यानी चार हर्फी अल्फा, होगी यानी चार हर्फी अल्फाज है, वाव गे और छोटी है, तो ये क्या हो गया होगी। ये जामन का पेड़ है, ये एक हर्फी अल्फाज, जामन यानी जे अलिफ मीम नून, जामन का काफ अलिफ यानी दो हर्फी अल्फाज, पेड़ यानी तीन हर्फी अल्फाज, हे यानी एक हर्फी अल्फाज, तो ये क्या हो गया सॉरी हे यानी दो हर्फी अल्फाज, हे और ये के साथ मिलाए तो वो दो हर्फी अल्फाज हो, तो अब ये क्या हो गए तीन हर्फी अल्फाज हो गए। ये हमारे सबक नंबर का पार्ट वन है, जिसे हमने क्या पढ़ा तीन हर्फी अल्फाज क्या होते हैं, कैसे मिलकर बनते हैं, इसके हमने राइम भी पढ़ी, बाघ की शेर को चलो, हसन बहुत तेज दौड़ता है, शम्स आया इसको केक दो, पीर को ईद होगी, ये जामन का पेड़ है। यहाँ पर हमारा सबक नंबर दो का पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है, इसका पार्ट टू हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ धन्यवाद।